हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक हमने VLOOKUP फंक्शन से सिर्फ एक ही लुकअप वैल्यू के बेस पर किसी टेबल में से अपना मनचाहा आउटपुट निकाला था। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास एक नहीं बल्कि दो लुकअप वैल्यू हो और हमें उन दोनों लुकअप वैल्यू के बेस पर अपनी टेबल में से अपना मनचाहा आउटपुट चाहिए हो, तो उसे हम कैसे करेंगे? इसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसे सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर लिखे हैं और सेकंड कॉलम में उनकी क्लास लिखी है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रोल नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको सभी सेम रोल नंबर पर एक ही क्लास और एक ही नेम नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 रोल नंबर पर 10th क्लास भी है और 12th क्लास भी है, और इन दोनों के सामने ये जो नेम्स है ये भी अलग अलग है। अब इस टेबल में से हम चाहते क्या है? दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 101 हो और जो 12th क्लास में हो, हमें उसका नेम चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, यानी कि हमारे पास दो लुकअप वैल्यू हैं और हमें इन दोनों लुकअप वैल्यू के बेस पर उसका नेम चाहिए। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा के सबसे लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा कॉलम है, तो मैं इसी कॉलम का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप इस कॉलम को कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको हेल्पर हेडिंग दे रहा हूँ। अब इसमें हमें बेसिकली करना क्या है? दोस्तों, हमारी जो भी दो लुकअप वैल्यूज है ना, वो दोनों लुकअप वैल्यूज हमें जिन कॉलम्स में मिलेंगी, उन दोनों ही कॉलम्स की वैल्यूज को हमें सिंपली कंबाइन करके इस कॉलम में लिखना है। क्योंकि ये बात तो आप जानते हो कि हम VLOOKUP फंक्शन में सिर्फ एक ही लुकअप वैल्यू दे सकते हैं, सिर्फ इसीलिए हमको ये जुगाड़ करना पड़ रहा है और इसीलिए हमने ये हेल्पर कॉलम लिया है। क्योंकि जब हम इन दोनों ही कॉलम्स की वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे तो हमारे सामने सिर्फ एक ही कॉलम होगा और वो है ये हेल्पर कॉलम, और हमें इसी हेल्पर कॉलम की हेल्प से इस टेबल में से हमारी दो लुकअप वैल्यू के बेस पर वो नेम निकालना है। अब इन दोनों कॉलम्स के टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कीजिए या कॉनकैट फंक्शन का यूज कीजिए, या फिर आप सिंपली एम्परसेंड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करके इन दोनों ही कॉलम्स की वैल्यूज को कंबाइन कर रहा हूँ इस तरह से, और मैं इसको ड्रैग करके इन सभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। और जब आप इतना काम कर ले, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली VLOOKUP फंक्शन लगाना है इस तरह से। अब आपने उन दोनों कॉलम्स को तो कंबाइन कर दिया जिनमें आपको वो दोनों लुकअप वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसी के साथ आपको VLOOKUP के लुकअप वैल्यू आर्गुमेंट में उन दोनों लुकअप वैल्यूज को भी कंबाइन करना पड़ेगा जिनके बेस पर आप इस टेबल में से आउटपुट चाहते हैं। हमारी ये दो लुकअप वैल्यूज हैं रोल नंबर में 101 एंड क्लास में 12th। तो हम इन दोनों ही सेल रेफरेंस को M% की हेल्प से कंबाइन करके VLOOKUP के लुकअप वैल्यू आर्गुमेंट में लिखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरह से लुकअप वैल्यू में इन दोनों ही सेल रेफरेंस को यूज करूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं M% लगाता हूँ, और फिर मैं इस क्लास वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। और अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही कंबाइन हो चुका है जैसा हमने हेल्पर कॉलम में इसे कंबाइन किया था। अब ये कंबाइन होकर जो लुकअप वैल्यू आई है, ये तो आपको इस हेल्पर कॉलम में मिल जाएगी ना। अब इससे आपका काम इजी हो चुका है। अब तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाना है और टेबल एरे में इस पूरी टेबल को हेल्पर कॉलम के साथ सिलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर से कॉमा लगाइए। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको नेम कौन से कॉलम में मिलेगा, आपको यहाँ पर हेल्पर कॉलम से इसे काउंट करना है। 1, 2, 3 एंड 4, आपको ये नेम 4th कॉलम में मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 4 टाइप करता हूँ, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आउटपुट में एंटमैन मिला, और 101 रोल नंबर के साथ 12th क्लास में एंटमैन ही है। और अब अगर मैं यहाँ पर 12th की जगह पर 10th कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आउटपुट में शक्तिमान मिला है। और आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि 101 रोल नंबर के साथ 10th क्लास में शक्तिमान ही है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से दो लुकअप वैल्यू के बेस पर अपनी टेबल में से आउटपुट निकालना आ गया है, तो लुकअप वैल्यू चाहे 2 हो या फिर 10 हो, आप इसी तरह से उन सभी लुकअप वैल्यूज वाले कॉलम्स को कंबाइन करके VLOOKUP फंक्शन के हेल्प से अपना मनचाहा आउटपुट निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने एक क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। रोल नंबर में तो 101 ही होना चाहिए और क्लास में भी 10th ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रेड है वो सी होना चाहिए, उसी का नेम हमें यहाँ पर आउटपुट में चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, इसका नेम हेल्पर दे देता हूँ, और इस कॉलम में इन तीनों ही कॉलम्स के टेक्स्ट को M% की हेल्प से कंबाइन कर देता हूँ इस तरह से, और इसे नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर देता हूँ इस तरह से।
अब मैं यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन टाइप करता हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट और लुकअप वैल्यू में इन तीनों ही लुकअप वैल्यूज को मैं कंबाइन करके लिखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, M% लगाता हूँ, उसके बाद इस 10th क्लास वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से M% लगाता हूँ और लास्ट में इस सी ग्रेड वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जिस सीक्वेंस में हेल्पर कॉलम में इन तीनों ही कॉलम्स को कंबाइन किया है उसी सीक्वेंस में आपको लुकअप वैल्यूज को भी कंबाइन करना है, तभी तो उस कंबाइंड लुकअप वैल्यू को VLOOKUP फंक्शन इस हेल्पर कॉलम में ढूंढ पाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाइए और टेबल एरे में इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और फिर से यहाँ पर कॉमा लगाइए और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि ये नेम 5th कॉलम में है तो मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ, कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आउटपुट में हमारा प्यारा शिनचैन मिल चुका है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।